हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पैटर्न का ट्यूटोरियल बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें स्लिप नॉट डालना है। ये देखिए स्लिप नॉट हो गया है रेडी। इसके बाद अब हम फाउंडेशन चेन बनाएंगे। तो फाउंडेशन चेन जो हमें बनानी है, इसे हम 3 के मल्टीपल्स में बनाएंगे, और साथ में 3 चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो आप कितना भी चेन्स बना सकते हैं फाउंडेशन चेन में, बस आपको 3 के मल्टीपल्स में उसे बनाना है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने 18 चेन्स बना ली हैं, अब इसमें 3 चेन्स और ऐड करेंगे तो ये हमारी फाउंडेशन बेस चेन रेडी हो गई है। अब हमें स्टार्टिंग से 4th चेन में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है। देखिए इस तरीके से बस इनकम्प्लीट रखना है, फिर उसके नेक्स्ट चेन में भी एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे डालेंगे, और उसके बाद वाली चेन में भी एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। तो टोटल मिला के 3 चेन्स में हम इस तरीके से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे डालेंगे, फिर यार्न लेकर और उसे इस तरीके से हमें पुल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न के लिए लास्ट चेन जिसमें हमने लीव किया था अभी, वहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट चेन के लिए हमें फिर से एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे लेना है, और उसके बाद उसकी नेक्स्ट चेन। तो टोटल मिला के हमें 3 चेन में से पास करना है, और हमारे पास हुक में टोटल 7 लूप्स होने चाहिए। तो 2 स्टेप्स में से करना है हमें। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से एक बार और चेक कर लीजिए। इसी सेम पैटर्न को हमें एंड तक कंटिन्यू करना है। तो रो 1 में हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस तरीके का पैटर्न आता है, और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और बहुत इजी है इसे बनाना। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिए। फिर लास्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशे बना लेना है। रो नंबर 2 के लिए एक चेन डालेंगे, और टर्न कर लीजिए फिर इसे वर्क को। अब इस रो में हमें पूरा सिंगल क्रोशे बनाना है। तो 1st चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाया, और इसके बाद जो पैटर्न है उसकी आई जो आपको दिख रही है, ये देखिए आई में डाल के हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इसी तरीके से एक आई में सिंगल क्रोशे बनेगा, और एक गैप में सिंगल क्रोशे बनेगा। तो इसी तरीके से सिंगल क्रोशे हमें इस रो के एंड तक बनाते जाना है। तो ये हमारा रो नंबर 2 रेडी है। तो इस रो में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे ही आने चाहिए, जैसे कि हमारे पास फाउंडेशन बेस चेन में थे। तो काउंट करके हमें 18 ही रखना है। अब फिर हम चेन 3 ऐड करेंगे, और वर्क को टर्न कर लीजिए। इसके बाद 1st चेन में हमें फिर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे डालना है। तो टोटल मिला के 3 चेन में हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशे डालेंगे, फिर एक साथ उसे पुल कर लेंगे। तो जिस तरीके का पैटर्न हमने रो नंबर 1 में डाला था, उसी तरीके से हमें इसे कंटिन्यू करना है। देखिए जहाँ से लीव किया था वो एक लिया है पहला, फिर नेक्स्ट 2 चेन और ली हैं जिसमें कि इनकम्प्लीट डालेंगे। टोटल 7 लूप हैं। 7 लूप में से इसे यान से हम पुल करेंगे इस तरीके से, तो 2 लूप बचेंगे। 2 लूप से फिर 1 लूप में आ जाएंगे। तो इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है।
तो इस पैटर्न को आप चाहे तो ब्लैंकेट्स में यूज़ कर सकते हैं, स्वेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे शॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपर्पज़ पैटर्न है। फिर लास्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशे ऐड करना है। ये हो गई हमारी रो नंबर 3। अब रो नंबर 4 के लिए फिर एक चेन ऐड करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और रो नंबर 4 में हमें रो नंबर 2 के जैसे सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। तो इस रो में हमें रो नंबर 2 को ही रिपीट करना है। तो एक सिंगल क्रोशे हम आई में बनाएंगे और एक गैप में बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप रिपीट करते जाइए, लेकिन काउंट करके आपके पास जितनी आपने चेन्स फाउंडेशन बेस चेन में डाली हैं उतनी ही चेन्स आपकी इस रो में ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो आपका पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सिंगल। अब फिर हम लास्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे बना लिया है देखिए, और उसके बाद फिर 3 चेन्स ऐड करके वर्क को टर्न कर लेना है। अब यहाँ पे फिर हम रो नंबर 1 को रिपीट करेंगे। तो यही इसका पैटर्न है और काफ़ी सिंपल पैटर्न है। अगर आप इसे डबल कलर के यान से बनाएंगे तो ये और भी अच्छा दिखेगा। देखिए इसी तरीके से रो नंबर 1 को हमें कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप ब्लैंकेट बना रहे हैं या स्वेटर बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे अल्टरनेटिवली रो नंबर 1 रो नंबर 2 को इस तरीके से रिपीट करते जाइए, तो आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। ये देखिए मैंने मल्टी कलर यान से बनाया था। आप अगर इसे सिंगल कलर की या डबल कलर की यान, दो यान यूज़ करके बनाएंगे तो ये और भी खूबसूरत दिखेगा। तो दोस्तों ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।